हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं और बच्चे सो ही रखे हैं, तो मैं अपना फटाफट से पहले नाश्ता उस्ता बना रही थी निकले। तो आप देख सकते हैं अभी बाहर अंधेरा ही हुआ है, तो चलिए पहले नाश्ता रेडी करती हूँ बच्चों के लिए। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है मेथी के पराठे बच्चों के लिए, और बच्चे इसी को स्कूल में भी ले जाएंगे। अभी इनको उठाती हूँ फटाफट से, स्कूल जाना है। कने कने चलो उठो, स्कूल जाना है ना, चलो उठो ध्रुव, उठो ध्रुव। पानी रख दिया है गैस में पीने के लिए, गर्म हो जाएगा इनको पानी देके, तभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होके आ जाएंगे, फिर रेडी होंगे अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पानी दे देती हूँ पहले उनको पीने के लिए, कुणाल तो पीता है नहीं, ध्रुव को दे देती हूँ पानी। चल कुने, कान्हा तेरे को भी देना पानी है, फिर अच्छे से है ना बोला फिर। ये तो अजीब लड़का है वही, मैं तो समझ नहीं आता है भाई। चल चल, आज ध्रुव के पैर में भी दर्द है और पापा मालिश कर, पापा तो या पापा तो लगे हुए, कुणाल ध्रुव के पैर में दर्द है, मालिश कर रहे हैं। रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं, चलो आओ जल्दी आओ, पापा ने गाड़ी निकाल दी। चल ध्रुव, चल निकलो बाहर। अब क्या कर रहा है ये इसी टाइम जाते समय, ठंडे हो रहे बाल यार। पापा ने गाड़ी भी निकाल दी, चलो जाओ बैठो, बाय। सड़क में ही जाके बैठेगा वो भी, कहाँ चला जा रहा है यार बस तेरे तो। बाय, अब हम करेंगे अपने घर का काम, बाय। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सूरज निकला हुआ है सुबह के 7 बजे, यहाँ ऐसी धूप आती है इतनी प्यारी, सुबह बहुत ही अच्छा लगता है मौसम। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अपने कमरों में और करते हैं घर की सफाई। और सबसे पहले मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ, और मैंने ये दूध निकाल दिया है गाय का, और मम्मी के लिए चाय रख दी है, क्योंकि मम्मी आपको तो पता ही है बूढ़े लोग चाय बहुत पीते हैं। तो मम्मी जितने बार अंदर आती हैं काम से बाहर से, उतने बार चाय मांगते हैं, तो हमारी चाय गैस पे थड़कती रहती है बार बार। तो चलिए, तो चाय थड़क चुकी है, इसमें दूध डाल देंगे और चाय रेडी होने के बाद मम्मी को दे देते हैं। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं, किचन कमरे में झाड़ू उड़ू मार देते हैं फटाफट से, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी और बुकिंग में जाना है। तो फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ और इनको नाश्ता बना के दे देती हूँ। जब ये ड्यूटी जाएंगे तब मम्मी और मैं नाश्ता करेंगे। वो दीदी आई गई हैं जिन्होंने पेड़ काटना है, क्योंकि आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं पेड़ काट नहीं पाई, तो पेड़ उन्होंने ही काटा और तब उसी से हमने अपने लिए घास बनाया। कुछ घास वो भी ले गए, कुछ घास हमने अपने लिए बनाया। लक्ष्य की बात करें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आप जिस संघर्ष से गुजरोगे वह आपको एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगा। सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने सभी दुखों और कष्टों को झेला होता है। तो काम ख़त्म हुआ मेरा और मैं आ गई थी घास लेने के लिए, और वो दीदी ने भी अपने लिए घास बना लिया था, वो भी जाने लगे थे, तो मैंने भी अपना फटाफट से बनाया
और मैं भी घास लेके निकल गई। गाय को अंदर बांध देती हूँ, धूप लग रही है इसे। रुक जा, कर ले, पानी पिएगी। चल उधर चल, ये ले ले। चल हो गया, काली को धूप लग रही है इसको। अब चला आया, हाँ इधर इधर अंदर। अब यहाँ पे रहना थोड़ी देर, तब बाद में बाहर निकालेंगे। चल खा ले, तब तक खा ले घास खा ले। चल गाइस, मैं तो अंदर आ गई हूँ क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना था और मैंने दाल उछालने के लिए रखी थी। दाल मैंने फ्राई कर दी है, ये आज राजमा चावल बन रहा है और इसमें चावल रख दिए हैं। तो बच्चे आने वाले हैं, बच्चे जब तक आते हैं दाल चावल भी रेडी हो जाएगा। नाल मारा जा गया, भाई का है, भाई भी आ गया। सो गाइस, बच्चे घर में आ गए हैं, अब इनको दूंगे मैं खाना पीना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले, बाय बाय।